हाई ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू हैव आई पी और सी एस इन क्लास 11th और 12th, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो पूरे के पूरे कोर्स के नोट्स, क्लासेस, एवरीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ फॉर योर होल सेशन यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। सो आपको सब कुछ मिलेगा, राइट फ्रॉम द कोचिंग टू द वर्कशीट्स टू द नोट्स, एवरीथिंग। देर इज़ अ लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वेयर यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑल्सो एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, आज हम करेंगे सीरीज के ऊपर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। एज यू कैन सी, इट इज़ लेसन नंबर 3। सो हम दो लेसन्स पहले कर चुके हैं जिसमें हमने किया था कि पांडास लाइब्रेरी क्या होती है, सीरीज कैसे बनती है, एंड वी हैव डन द एट्रीब्यूट्स ऑन सीरीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट आर द मेथड्स यू कैन परफॉर्म ऑन सीरीज, राइट। Before we start that, I'm a plus educator on Unacademy, which is India's number one online teaching platform. So, आप वहाँ पर किसी भी entrance exam की preparation कर सकते हो। आप 6th to 12th CBSE किसी भी subject की classes ले सकते हो। Best educators across the India are teaching their live, right? And for IP and CS, you can watch my classes. I take both type of classes over there. वहाँ पे सबको लगता है कि शायद सिर्फ पेड क्लासेस होती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने अनअकैडमी कभी यूज़ नहीं किया, सो ऐसा नहीं है दैट एवरीथिंग इज़ पेड। वी हैव स्पेशल क्लासेस, दैट इज़ फ्री क्लासेस एज वेल एज पेड क्लासेस। फ़र्क ये होता है कि जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, बेटर वर्कशीट्स मिलती हैं, आपके डाउट क्लियरेंस ज़्यादा अच्छे से होता है लाइव सेशंस में, तो वो सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट To know the interface, you can do one thing. Link of my profile is in the description. So, ये मेरा नाम है अंजलि लूथरा। आप जाके मुझे follow कर सकते हो, आप app download कर सकते हो from the links given below. ठीक है, जब आप मेरी profile पे जाओगे, so ये जो batches आ रहे होते हैं ये paid होते हैं, ठीक है। But there is a section called special classes. When you go on this, these classes are absolutely free. जो हो चुकी हैं वो आप recorded देख सकते हो, जो होने वाली हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करती रहती हूँ और मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे भी अपडेट करती रहती हूँ। सो यू कैन गेट द लिंक्स फ्रॉम हियर। जैसे कि आज हमने किया था कंप्लीट सिलेबस महापोल फॉर सीएस एंड कंप्लीट सिलेबस महापोल फॉर आईपी। सो लाइव क्विजेज में बहुत मज़ा आता है, तो अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए यू मस्ट अटेंड क्विजेज ऑन अनअकैडमी। इट्स वेरी इंटरेक्टिव, आप इसको कभी भी बाद में देख सकते हो। जो पीडीएफ यूज होती है इवन आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टरनून एवरीवन, राइट। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस इज देयर। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सो आपके स्क्रीन पे पोल आएगा, क्वेश्चन दिख रहा है, सो लुक एट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी। यू विल बी गेटिंग पोल्स ओवर हियर, सो आप उस पोल्स के आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही इंटरैक्टिव इंटरफेस होता है लाइक दिस। ठीक है, सो डू कम टू वन ऑफ माई क्लासेस एंड फील द इंटरफेस। एंड मैं आपको यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड करूँगी दैट विल बी गिवन every day I take a class 1 to 2। अगर आपको अपने python strong करनी है, basics of python, so 1 to 2 I take a class। और IP की specifically अगर मैं बात करूँ, IP class 12th, ठीक है, तो उसकी class आपकी होती है Tuesday, Thursday, Saturday, 3 से 4, 3 to 4। These are special classes which are free, ठीक है। इसके अलावा प्लस क्लासेस चल ही रही हैं। आप जब मेरी प्रोफाइल पे आओगे और आप पहली बार कोई क्लास अटेंड करने आओगे, इवन वो फ्री भी है, तो भी वो आपसे एक कोड पूछेगा, पेमेंट नहीं पूछेगा, सिर्फ कोड पूछेगा। तो उस कोड में आपको क्या नाम एंटर करना है? मेरा नाम, दैट इज़ अंजलि लूथरा। बीच में आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक है। सो बिना स्पेस दिए आप अंजलि लूथरा इनपुट करोगे एंड आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी एंड दैट्स इट। यू कैन जॉइन मी लाइव इन द लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। सो शेड्यूल क्या रहेगा? आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, लाइव क्लासेस मिलेंगी अनअकैडमी पे, वर्कशीट्स भी मैं अनअकैडमी पे या टेलीग्राम ग्रुप पे डालती रहती हूँ। सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वर्कशीट्स एंड ऑल आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, ठीक है, एंड नोट्स ऑल्सो। सो आप बार बार, मुझे पता है कमेंट्स में सारे लोग ये पूछते हो कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, वर्कशीट्स कहाँ मिलेंगी, तो जो जो टॉपिक कवर होता जाएगा उसके नोट्स, उसकी वर्कशीट्स सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता जाएगा, ठीक है। सो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज के मेथड, सीरीज के ऊपर मेथड्स क्या होते हैं। सो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट जो हमने पिछली बार किया था। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो किसी चीज़ का बिहेवियर बताता है, सो विच टेल्स दी
बिहेवियर और फीचर ऑफ समथिंग, दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट, है ना. अब जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन सीरीज, सो व्हेन वी परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन सीरीज उसको कहते हैं मेथड. सो व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट इज सेट टू बी मेथड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट फंक्शन. वैसे जब आप कोर प्रोग्रामिंग करते हो तो एक बेसिक डिफरेंस मेथड और फंक्शन में क्या होता है, जैसे आपने 11th में भी किया होगा, अगर आप लेंथ ऑफ ए लिखते हो सो ये क्या है, फंक्शन. सो जब हम नाम पहले लिखते हैं और ब्रैकेट में वो चीज़ लिखते हैं जिसके ऊपर काम करना है तो उसको फंक्शन कहते हैं. बट अगर आप ए डॉट लेंथ लिखते हो, सो जब डॉट लगा के लिखा जाता है, सो दैट इज़ सेट टू बी मेथड. ठीक है, ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट अगर आप प्रोग्रामिंग को बिलोंग करते हो यू मस्ट नो दिस. सो डॉट के साथ अगर है तो उसको हम टेक्निकली मेथड कहते हैं, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड फंक्शन. सो अभी हम कौन कौन से मेथड्स देखने वाले हैं, हम देखेंगे डॉट सम, डॉट मिन, डॉट मैक्स, डॉट काउंट, डॉट मीन, मीडियन, मॉड एंड सॉर्ट वैल्यूज. इसके अलावा वी हैव टू मोर मेथड्स विच आर यूज टू फेच द सिलेक्टेड डेटा, दैट इज हेड एंड टेल. सो ये मेथड्स हम देखेंगे कि ये सीरीज पे कैसे काम करते हैं. देखेंगे का मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना, थ्योरी थोड़ी है जो हम लिख लिख के करेंगे. सो वी विल बी डूइंग इट प्रैक्टिकली राइट हियर. सो दिस इज पाइचार्म विच आई एम यूजिंग. आप पाइथन आईडीएलई में भी काम कर सकते हो, आप ट्राई डॉट जुपिटर में भी काम कर सकते हो. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कहाँ काम करना चाहते हो. ठीक है, सो हम कोई भी सीरीज वाला एक प्रोग्राम खोल लेते हैं या हम बना लेते हैं कोई भी एक सीरीज. सो लेट्स मेक अ न्यू वन. सो राइट क्लिक किया, न्यू पाइथन फाइल, एंड नाम दे दिया मैंने MTH, मेथड्स है. सो पहली चीज़ जो हम करेंगे दैट शुड बी इम्पोर्ट पांडाज एज PD, राइट. अब आपको बनानी है सीरीज, तो आपने लिखा PD डॉट सीरीज, डेटा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं या हम नॉर्मली भी ऐसे वैल्यूज दे सकते हैं. सो इससे क्या होगा, सीरीज क्रिएट हो जाएगी. मैंने इंडेक्स नहीं दिया, सो बाय डिफॉल्ट द इंडेक्स वुड बी टेकन एज 012. इसको रन किया, सो वी कैन सी यही नंबर्स हमने ऊपर दिए हैं. ठीक है, इट हैज़ क्रिएटेड अ सीरीज. अब देखो मेथड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. आपने लिखा डॉट सम, सम का मतलब क्या होता है, ऐड कर दो, तो 12 प्लस 90 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 23 जो भी बनेगा इट विल प्रिंट दैट. सो जैसा नाम है वैसा ही काम है. सो नाम है सम, दैट मीन्स काम भी क्या करना है, सम. सो इट विल ऐड देम अप. उसने सबको ऐड कर दिया और आपके पास 12 प्लस 90 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 23 226 आ गया. गॉट इट. ठीक है, ऐसे ही अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, सो मिन, मिन का मतलब क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट. तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है ना जो मुझे याद करनी पड़े, दीज आर सो बेसिक थिंग्स, कि जिसका जो मतलब है वही काम वो कर रहा है. मिन क्या कर रहा है, लोएस्ट वैल्यू निकाल रहा है, सो 12 आ गया, दैट इज़ द लोएस्ट वैल्यू. मैक्स करोगे तो हाईएस्ट आ जाएगा, इट विल गिव यू 90, दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, है ना, मैक्स से हाईएस्ट आ गया. अच्छा अब क्या करेंगे इसके बाद, काउंट. सो काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे साइज से 5 आता है यहाँ पे भी 5 आएगा. फ़र्क इतना है कि अगर इनमें से किसी में नैन होता, नैन इज़ अ स्पेशल वैल्यू नॉट अ नंबर, NaN. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी तो वो उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, उसको नहीं पता ऐसे नैन क्या है. अगर आपको ऐसे नैन लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट नंपाई, जो कि 11th में आपके सिलेबस में रिड्यूस था तो इसलिए आपने नहीं यूज़ किया होगा, बट इट हैज़ अ स्पेशल नंबर कॉल्ड नैन. ठीक है, सो अब अगर मैंने np.nan दे दिया एंड इफ आई डू काउंट, सो ये क्या शो कर रहा है, 4. सो काउंट फंक्शन जो है दैट डज नॉट काउंट द नैन वैल्यूज. आपने SQL में पढ़ा होगा 11th में भी कि जो नल है वो काउंट नहीं होता. ठीक है, SQL अभी आप आगे जाके 12th में भी करोगे तो वहाँ पे भी एक काउंट फंक्शन आएगा. सो नल मीन्स नथिंग, सेम वे नैन नॉट अ नंबर मीन्स नथिंग, दे आर नॉट काउंटेड. सो ये नैन को काउंट नहीं करेगा, ये 4 दे रहा है, 1 2 3 4, नैन इज नॉट काउंटेड. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि काउंट फंक्शन नैन को काउंट नहीं करता है. पर अभी हम नैन नहीं लेते, हम नॉर्मल नंबर ले लेते हैं. अब आपको एवरेज निकालनी है. सो AVG नाम का कोई फंक्शन नहीं है, एवरेज नाम का कोई फंक्शन नहीं है. आपने स्टैट्स पढ़ा होगा 9th 10th में.
सो वहाँ पे हमारे पास होता था मीन मीडियन मोड, है ना. मीन इज सेम एज अरिथमेटिक मीन, दैट इज एवरेज. सो मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना. फिर एक मीडियन होता था, इफ़ यू रिमेंबर. मीडियन में क्या होता है कि सारे नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, जो बीच वाला नंबर है वो मीडियन होगा. तो इसमें बीच वाला नंबर आएगा हमारे पास 67. सो इफ आई रन दिस, है ना, सो दैट्स योर मीडियन. मोड इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि मोड तब होता है जब हमारे पास सेम नंबर बार बार आ रहा हो, जब फ्रीक्वेंसी होती है. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दैट इज मोड, ठीक है, उसको हम मोड कहते हैं. तो वो सब आपके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हो गए. इसके अलावा दो मेथड्स जो हैं वो फेचिंग में हेल्प करते हैं. जैसे अगर आपने हेड लिखा, मेरे पास तो खैर यहाँ है ही पांच वैल्यूज़, तो वो पांचों दिखा देगा. सो हेड का मतलब होता है टॉप फाइव वैल्यूज़ दिखाना. अगर आप टॉप फाइव नहीं देखना चाहते, सिर्फ टॉप थ्री देखना चाहते हो, तो आप एस डॉट हेड थ्री लिख सकते. सो जब हम एस डॉट हेड थ्री लिखेंगे, सो इट विल शो ओनली दी टॉप थ्री रोज, 12, 90, 80, सिर्फ टॉप थ्री. अगर आपको बॉटम से देखना हो, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टेल. नाम अगेन नाम से ही समझ आ रहा है ना, हेड मतलब ऊपर से, टेल मतलब लास्ट वाली वैल्यूज. सो अगर हम नंबर पास नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज़ फाइव. तो हेड भी टॉप फाइव दिखाता है, टेल बॉटम फाइव दिखाता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू मैंशन कि कितनी देखनी है, तो आप वो नंबर यहाँ पर पास कर सकते हो कि तीन देखना है, दो देखना है, एक देखना है, कितनी वैल्यूज देखनी है. सो दैट कैन बी गिवन ओवर हियर. आ रहा है समझ? सो दैट इज़ द पर्पज ऑफ हेड टेल. अब आपको सिर्फ ये लास्ट थ्री वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, हम इसके आगे ऐसे भी लगा सकते हैं. तो पहले वो टेल से तीन निकालेगा, फिर उनका सम कर देगा. सो अब ये सिर्फ आखिरी तीन का सम होगा, इन तीनों का, ठीक है. सो ऐसे लिखना भी पॉसिबल होता है. गॉट इट? अब आखिरी फंक्शन, आखिरी क्या है, सॉर्ट वैल्यूज़, जो हमें आज करना है. सॉर्ट वैल्यूज़ नाम से पता चल रहा है, सॉर्ट कर देगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो आपके नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, 12, 23, 67. आपको इंक्रीजिंग में नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. सो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यू आर सपोज टू राइट असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर देगा. गॉट इट? So that is how we use different methods with series. ये सारे आप खुद करके देखोगे. जब तक आप इन्हें खुद नहीं करोगे practical में, तब तक आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे, ठीक है. So try to do it of your own and let me know in the comments कि आपको ये समझ आए या नहीं. और समझ आए हैं तो like पे ज़रूर click करना, ठीक है. Do click the like button because that shows that how much you are understanding from the videos. So I am promising that I will help you throughout your course. ठीक है, मैं आपको पूरे साल help करूँगी ताकि आप 100 में से 100 ला सको. और आपको मुझे help करनी है to spread the channel. So please spread the channel, share it with as many people as you can, like it, subscribe the channel and share it to the maximum. That is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.